हिमांग डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइव क्लासेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से मैं क्लासेस ले नहीं पा रहा हूँ। और इसकी वजह से वापस से मैंने वही किया कि वीडियो लेके उसको कंप्रेस करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर हम लोगों के पास उनको ऑप्शन भी नहीं है इधर कि दूसरा कोई ऑप्शन अपन यूज़ करें, क्योंकि लाइव क्लासेज में नेटवर्क स्पीड अच्छी चाहिए। तो अभी नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से हमें क्लासेस नहीं हो पा रही है ऑनलाइन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जैसे अभी जो जो भी मेरे को जिस तरह से मौका मिल रहा है मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। बीच में थोड़ा सा इशू आ गया था तो क्लासेस ले नहीं पा रहा था मैं, काफ़ी व्यस्तता थी, बढ़ गई थी। और मयूर सर आपकी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, आप उनकी क्लासेस भी रेगुलर देख सकते हो, ठीक है। अच्छा पढ़ा रहे हो, पहले चैप्टर से ही वापस आपको नए सिरे से पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी क्लासेस भी ज़रूर देखें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उनसे ही पढ़ना है, ठीक है। मैं तो आपको मदद कर सकता हूँ बीच बीच में, अल्टीमेटली मयूर सर ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और अच्छा उनको अनुभव है, वही है कि 20 मिनट के टाइम के अंदर उनको क्लासें पढ़ानी हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके हिसाब से 20-20 मिनट की क्लास बना के फिर एक घंटे का वीडियो बनता है, इसलिए उसके हिसाब से वो उसमें दोनों मीडियम नहीं पढ़ा सकते हैं वो। तो उनकी जो फ्लुएंसी है वो मेनली उनकी इंग्लिश में है, हिंदी मीडियम के बारे में अगर पढ़ाना होगा तो वो सेपरेट से क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर भी देखते हैं अपन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको अपन शॉर्ट आउट करें, ठीक है। और काफ़ी लोग ये है कि टेस्ट दे भी नहीं रहे, पढ़ भी नहीं रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप साफ बोल दो कि सर हमको नहीं पढ़ना है, तो फिर अपन क्लासेस बंद करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अननेसेसरी फालतू में टाइम खराब करना तो मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको भी लगता है कि नहीं सर हमको क्लासेस नहीं लेनी है, तो अपन बंद कर देते हैं क्लासेस, ठीक है। आप बोल दो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि क्लासेस बंद करनी है, तो फिर बंद करवा देते हैं, ठीक है। और टेस्ट भी नहीं देते हैं बच्चे, तो टेस्ट नहीं देखो पता कैसे लगेगा कि आपने क्या कितना पढ़ा, कितना समझ में आया, आपको घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए आपको क्या है, थोड़ा सा अपने हिसाब से टाइम निकाल के आपको टेस्ट देना चाहिए, तो अच्छा रहता उससे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 क्या है। मैंने आपको 1 से लेकर 3 यूनिट पढ़ा दिए, ठीक है। आपको 1 से लेकर 3 यूनिट जो है वो कंटस्ट होनी चाहिए, तभी आपको 4th यूनिट समझ में आएगी, अदरवाइज 4th यूनिट समझ में नहीं आएगी, क्योंकि 4th यूनिट के अंदर जो भी पार्ट है वो मैक्सिमम आपको 1, 2, 3 का लिया गया है, और वो कंबाइन करके एक नया चैप्टर निकाला है, चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर अपन विद्युत दाहिता के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मतलब यहाँ पे अपन मेनली वो पढ़ेंगे कि एनर्जी को अपन स्टोर कैसे करते हैं, ऊर्जा को अपन कैसे एक जगह पे स्टोर करें, ठीक है। जैसे मान लो अपनी बैटरी है, तो वो एनर्जी स्टोर का एक साधन है, उसमें ऊर्जा जो है वो केमिकल रूप में एकत्रित है। अगर अपन बात करें और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अपन बात करें डैम है बड़े बड़े, उसमें एनर्जी जो स्टोर है वो किस रूप में है, तो वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित है। जैसे आप गेट खोलोगे वो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा, और पानी का बहाव होगा, उससे अपन यूज़ करके अपन दुनिया भर की बिजली बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धारिता का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो आवेश है वो किस रूप में अपन धारण कर सकते हैं, किस जगह किस रूप में एकत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में समझाया गया मुख्य रूप से। इस चैप्टर में डेरिवेशन ज़्यादा है, थ्योरी भी थोड़ी कम है, डेरिवेशन वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हिंदी मीडियम वाले उनके लिए अलग से कुछ हो रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले अलग से होगा। बीच में टर्मिनोलॉजी जो है मैं मेनली हिंदी में फोकस करूँगा, मयूर सर जो है वो मेनली इंग्लिश में फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेनली आपको हिंदी वालों को ही प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश वालों को कंप्लेन अभी तक आई नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज लेके चलूँगा, मेनली मेरा फोकस रहेगा हिंदी मीडियम वालों पे, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं टर्म्स लिख जाऊँगा, डेरिवेशन में आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम चलेगी, ठीक है। तो और नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे दोनों लैंग्वेज के, तो आराम से उसको समझ लेना, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चालक और विद्युत, जिसको भी बोलते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। चालक किसे कहते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है उसको बोलते हैं चालक, और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता उसको बोलते हैं विद्युत वृद्धि अचालक, ठीक है। मटेरियल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर वेरी इजीली इज कॉल्ड ए कंडक्टर, एंड मटेरियल वेयर द इलेक्ट्रॉन नॉट ट्रांसफर इजीली इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है, इसको इंसुलेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर मेनली हम चालक और अचालक की बात करें, तो यहाँ पर ये पहला टॉपिक आता है, ठीक है। पहला आप बुक में भी जाकर देख सकते हो, विद्युत वृद्धि लिखा हुआ है बुक में, आपके चैप्टर नंबर 4 जो अध्याय नंबर 4 है वहाँ पर आप बुक को साथ में रखें, बुक को देखते हुए पढ़ें। देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले आपको एक बार बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, जो चैप्टर है उसका हम बैकग्राउंड तैयार करेंगे, बैकग्राउंड तैयार करने के बाद में, ठीक है। और बैकग्राउंड तैयार करने के बाद में हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं अपन, इस चैप्टर में क्या है मेनली, ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपन और पार्ट इसके बारे में बात करेंगे, एक सप्ताह का समय लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं चालक में, उसके उदाहरण देख लेते हैं अपन, कौन कौन से उदाहरण है। देखो लोहा हो गया, जिसमें अपन पता है ना, अगर लोहे के अंदर बिजली प्रोवाइड की जा सकती है, चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जैसी धातुएं हैं इनमें धारा का प्रवाह हो सकता है। जैसे लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, उसमें प्रवाह नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्योर पानी है, वो भी एक तरह से इंसुलेटर होता है, ये पानी में जो धारा प्रवाह होती है उसके अंदर क्या होती है, इंप्योरिटीज होती है, उसकी वजह से उसमें प्रवाह हो पाता, ठीक है।
चांदी जो है वो सबसे अच्छा चला गया, चांदी जो होती है ना वो सबसे अच्छा चला गया। आपके मोबाइल जो हो गए हैं, फिर जो लैपटॉप्स हो गए हैं, जो महंगे लैपटॉप्स आते हैं, महंगे मोबाइल आते हैं, उनमें क्या होता है चांदी की वायरिंग की जाती है अंदर, जो जो अंदर पीसीबी बनती है, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके अंदर जो होता है वो चांदी ही भरी जाती है, उसका कुछ अंश होता है जिसकी वजह से वहाँ पे धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है विद्युतरोधी पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होती है और धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, जैसे हम बात करें रबर हो गया, मोम हो गया, ठीक है, कांच हो गया, कागज़ हो गया, ये क्या है एक तरह से, ये विद्युतरोधी हैं, इनको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं इसको? इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, मुक्त आवेश और बंद आवेश। नेक्स्ट अपना जो है हेडिंग है वो है मुक्त आवेश और बंद आवेश, फ्री एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं बुक वाइज पढ़ा रहा हूँ, बुक वाइज पढ़ाने का ये फायदा रहता है कि आपके पास बुक अवेलेबल है, आप बुक को फॉलो कर सकते हो, उसमें देख सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो उसको आप दो तीन बार पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, तो बुक में जो दे रखे हैं आपके, जिस तरह से हेडिंग्स दे रखी है, मैं उसी के हिसाब से लेते हुए पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपके नोट्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, आपकी बुक सबके सामने हैं, आप मेरी एब्सेंस में भी उसको उससे हेल्प लेके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त आवेश मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त आवेश, ठीक है, एवं बाउंड आवेश, बंद आवेश, ठीक है, बाउंडेड आवेश, ठीक है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस। तो मुक्त का मतलब क्या होता है, पता है इसका नाम से समझ में आ रहा, मुक्त मतलब फ्री, जो फ्री अपने आप में, उनको कोई बांध के नहीं रख रहा, ठीक है, और बंद का मतलब क्या हो गया, जो बंधे हुए हैं किसी बॉन्ड्स के रूप में। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे भाई कॉपर है वो क्यों ज़्यादा कंडक्टर है, क्योंकि उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, हम बात करें डायमंड क्यों नहीं आवेश को प्रवाह करता है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन वो सब बंधे हुए हैं आपस में, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और धारा को प्रवाहित करने के लिए हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए, जो मुक्त होंगे वही धारा को प्रवाहित करेंगे, और मुक्त नहीं है तो वो धारा को प्रवाहित नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मुक्त आवेश और बंद आवेश, ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन भी बनता है, अभी अपन बात करेंगे, जब प्रश्न आएगा तो अपन बाद में करेंगे, अभी तो सिर्फ चैप्टर के बारे में समझाया जा रहा है, चैप्टर में क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आने वाली है। ठीक है, मेन जब क्वेश्चन आएगा वो आगे आने वाला है। ठीक है, तो बंद मुक्त आवेश और बंद आवेश हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप वाले कक्षाओं में होते हैं उन पर नाभिक का नियंत्रण अधिक होता है, अतः यह बंद अवस्था में रहते हैं। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये नाभिक है, ये नाभिक है, इसके पास वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बंधे हुए रहते हैं, उनको नाभिक इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। ठीक है, ये बंधे हुए रहते हैं क्योंकि नाभिक पता आप उनको इस पर फोर्स रहता है, अट्रैक्शन उनको अट्रैक्ट करके रखता है, इसकी वजह से नाभिक के चारों जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुल मिला के हम कह सकते हैं वो बंधे हुए रहते हैं, जो नाभिक से दूर हैं उनको हम आसानी से निकाल भी सकते हैं और वो तुम्हारे मुक्त अवस्था में रहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन पर नियंत्रण, जो न्यूक्लियस का जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उस नाभिक पे जो नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन पावर है या कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक के इलेक्ट्रॉन से सबसे कम होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो अंतिम कक्षा है, जो अंतिम वाली कक्षा है, वो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से काफ़ी दूर होते हैं और दूर होने की वजह से उन पे नाभिक का नियंत्रण ना के बराबर होता है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाले जा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद इलेक्ट्रॉन में यही है और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो पदार्थ पढ़ने वाले हैं वो है परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण। ठीक है, नेक्स्ट अपना हेडिंग है वो है परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। ठीक है, उसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन चैप्टर नंबर 4 है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, ये यहाँ पर अपन इस चैप्टर में अपन मेनली कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर कौन सा है, कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटेंस जो वर्ड है वो कैपेसिटर वहीं से निकला है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं, इसको अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, संधारित्र, क्या बोलते हैं इसको, संधारित्र। यहाँ पर अपन जो है मेन रूप से संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, हमने प्रतिरोध के बारे में पहले पढ़ा है, बस वही प्रतिरोध के बारे में जो पढ़ा है कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे उससे मैच करेगी। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है वो भी एक डिवाइस है और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी एक डिवाइस है। हमने रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी अपन इसके समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन भी पढ़ेंगे और इसकी कार्यविधि को समझेंगे कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, एनर्जी को, ऊर्जा को किस तरह से स्टोर करता है। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के बारे में अपन बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। यहाँ पर अपन अलग टाइप के जैसे पैरेलल टाइप के कैपेसिटर वो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गोलीय कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अपने पास में ये जो चैप्टर है वो मेनली और क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए, परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण, ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हमारे पास में है परावैद्युत पदार्थ।
परा विद्युत पदार्थ व ध्रुवण, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित पदार्थ को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसको? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एंड ध्रुवण को क्या बोलते हैं अपन? पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड पोलराइजेशन, ठीक है। चलिए देखो, ये जो चैप्टर है इसके अंदर ये टॉपिक जो है, नेक्स्ट अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इसका नाम है परावर्तित पदार्थ एवं ध्रुवण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड पोलराइजेशन, ठीक है। बुक जब भी मैं पढ़ाऊँ, बुक आपने सामने रखें, नोट्स कॉपी एक रफ कॉपी ले लें, उसको भी साथ में रखें, लिखते जाएँ। इससे ये लगेगा जैसे क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। फिर अल्टीमेटली वही है कि वो जीरो हो जाएगा, फिर टेस्ट दोगे, फिर बोलोगे समझ में भी नहीं आ रहा है। देखो मैं कह रहा हूँ, ये कोर्स बहुत लंबा है, फिजिक्स का जो अपना सिलेबस है बहुत लेंदी सिलेबस है, लेकिन फिर भी अपन ने काफ़ी चैप्टर कवर कर लिए हैं, ठीक है। आपको रेगुलर जब पढ़ोगे, जैसे अपन अभी मान लो क्लास शुरू भी हो गई, तो अपना सिलेबस नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, उनको जब वापस पढ़ाया जाएगा तो उनको समझ में भी आएगा, ठीक है, और सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको पता नहीं है कब स्कूल खुलेगी, तो अपन इसका यूज़ करें, समय का सदुपयोग करें, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, सर ने बोला भी था कि स्टूडेंट बहुत पढ़ नहीं रहे हैं और क्या करें, क्लासें बंद कर दें। मैंने कहा उनसे राय ले लो एक बार, ठीक है। अगर वो बोलते हैं सर बात बंद करो, बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि फालतू में क्यों पेमेंट करो टीचरों का, ठीक है। नहीं तो आप पढ़ो, पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर स्कूल में इसके लिए पूरी टीम बिठाई गई है, वो क्लासेस लेते हैं, ठीक है। मैं जा नहीं पाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। फिर भी मैं भी, मेरे को भी अलग से बोला गया आप भी क्लासेस लो। तो स्कूल कहीं से कहीं इतनी अरेंजमेंट कर रहा था, आपको खाली पढ़ना पड़ रहा है, आप घर पर बैठ के पढ़ भी नहीं सकते एक दो घंटे, तो क्या मतलब फिर? जबकि वीडियो जो आता है वो एक दो घंटे का, मान लो आप मैक्सिमम दो घंटे आप अगर नहीं बैठ सकते हो पढ़ने के लिए, तो फिर क्या फ़ायदा? स्कूल जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो पढ़ा रही है, क्या फ़ायदा रहा है, ठीक है। तो आपको भी अपनी तरफ से ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी और बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। अभी नहीं तो बाद में मिलेगा, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट है परावर्तित पदार्थ। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। देखो यहाँ पे समझना, ये परावर्तित पदार्थ क्या होते हैं, इनमें क्या बोल रहा है? ये पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ये कैसे हैं, तरह से कुचालक है, कैसे हैं ये कुचालक हैं, ठीक है। कुचालक होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं बताता हूँ। कुचालक होने के कारण क्या, एक तो ये हो सकता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो, पहला कारण क्या हो सकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो तब वो कुचालक हो सकता है पदार्थ, ठीक है। एक कारण और है कि यदि मान लो इसके अंदर सारे, जैसे मान लो सिलिकॉन ले लेते हैं, ठीक है, ये सिलिकॉन है, यहाँ पर भी एक सिलिकॉन है, यहाँ पर भी सिलिकॉन है, यहाँ पर भी सिलिकॉन है, यहाँ पर भी सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेयर में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है, 14 इसका एटॉमिक नंबर होता है, चार इसके मुख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं 12। इसके भी मान लो अपन ने चार मान लिए, तो इसके भी अपन ने मान लिए चार मान लिए, इसके भी अपन ने मान लिए चार मान लिए, और इसके भी अपन ने मान लिए चार मान लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, ये बंद बना देते हैं सहसर्जक बंद, मतलब बोल सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको अपन? कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। जब इनमें कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है तो सिलिकॉन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सब अंगेज हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, सिलिकॉन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? इस सिलिकॉन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। इस सिलिकॉन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब इस सिलिकॉन के पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस केस में ये जो है वो एक तरह से कुचालक की भांति काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन कुचालक की भांति काम करता है, लेकिन जब भी क्या होता है, क्या बोला यहाँ पे, परावर्तित पदार्थ वे पदार्थ जो जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता, लेकिन जब इनको बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, जैसे बाहरी विद्युत क्षेत्र में क्या हो गया, समझना इसको, विद्युत क्षेत्र बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, समझना इस चीज़ को। जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्लस 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 और यहाँ पे रहते हैं माइनस 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 माइनस, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है ना, ये विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई से दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इस परावर्तित पदार्थ को, इस डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यहाँ रखता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ रखा इसको, तो देखो अभी क्या होगा, जब ये विद्युत क्षेत्र नहीं होगा उस केस में सारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये हैं यहाँ पे प्लस माइनस वो सारे समान रूप से क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह, सब जगह समान रूप से विद्युत होंगे, लेकिन लेकिन जैसे ही अपन ने बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया, इधर प्लस 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 यहाँ माइनस माइनस लगा दिया, लेकिन है ना, ये कैसे लगाते हैं इसको, अपन क्या करते हैं, दो प्लेटें होती हैं, इसको अपन एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बैटरी का नेगेटिव है, यहाँ सारे नेगेटिव निकल जाएंगे, यहाँ पे बैटरी का प्लस, यहाँ पे सारे प्लस प्लस आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस किनारे पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है प्लस प्लस वाले, वो प्लस प्लस वाले आ गए इस किनारे पे आ जाएंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये बाहरी विद्युत क्षेत्र में इस परावर्तित पदार्थ को रखा अपन ने, परावर्तित पदार्थ को रखा, तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव था वो एक सिरे पे आ गए और प्लस वाले इधर पे आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि परावर्तित पदार्थ वे पदार्थ है जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो सकता, लेकिन अगर इनको बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखें तो ये अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, कैसे, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव, सारे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम बोलेंगे इसको परावर्तित पदार्थ बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको अपन, परावर्तित पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। अगर अपन ने विद्युत क्षेत्र हटा दिया तो क्या होगा, ये वापस से प्लस और माइनस आपस में मिल जाएंगे और वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, मामला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ये मामला वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि भाई ये परावर्तित पदार्थ, मैं वापस एक बार परिभाषा बोल रहा हूँ, परावर्तित पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जिनमें चालन नहीं होता है परंतु बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कागज, मोम, अभ्रक, तेल, ये सब परावर्तित पदार्थ के अंदर आते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे, आप नोट्स को उतार लेना अपनी कॉपी में, नहीं उतारोगे तो आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए परावर्तित पदार्थ, फिर परावर्तित पदार्थ होते हैं इनको भी अपन दो भागों में बांटते हैं, क्या बोल रहे हैं अपन, अच्छा एक चीज़ और, ध्रुवन किसे को होते हैं, ध्रुवन की परिभाषा भी आगे आ गई, अपन बहुत डिटेल में समझेंगे ध्रुवन क्या होता है। वो जैसे यहाँ पर अपन ने बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाया, एक तरफ सारे पॉजिटिव आ गए, एक तरफ सारे क्या आ गए, नेगेटिव आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपन पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में, मैंने बोला भी आपको पहले वाले चैप्टर के बारे में कि जो पहले वाले चैप्टर पढ़ा होगा स्टूडेंट उसको ये समझ में आएगा, फिर भी मैं बीच बीच में आपको पहले वाले चैप्टर की कुछ चीज़ें समझाता रहूँगा। विद्युत ध्रुवन क्या होता है, ठीक है, तो इसमें ध्रुवन में क्या होता है, डाइपोल पता है आपको, डाइपोल का मतलब क्या हो गया, एक तरफ नेगेटिव आवेश एक तरफ पॉजिटिव आवेश, और किसी दूरी पे हो, जैसे यहाँ पे 2R दूरी है, 2A दूरी पर है, जब एक तरफ नेगेटिव आवेश हो एक तरफ पॉजिटिव आवेश, ये द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, किसका करते हैं, द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, और द्विध्रुव है तो वहाँ पे फिर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब यहाँ पर अपन बाहरी विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव बनता है, सारी एक तरफ पॉजिटिव सारी तरफ नेगेटिव, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यहाँ पे क्या हो जाता है, एक निर्माण हो जाता है, और जब ये निर्माण होता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ध्रुवन, ठीक है, परिभाषा आगे आएगी। अब परावर्तित पदार्थ भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, समझना इस चीज़ को, अपन बोले परावर्तित पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो अब अपन परावर्तित पदार्थ की भी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, अपन परावर्तित पदार्थ की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जो यहाँ पे टाइप एक तो हो गया अपना ध्रुवीय पदार्थ, ठीक है, वह हो गया ध्रुवीय पदार्थ, ठीक है, अध्रुवीय पदार्थ, और एक क्या हो गया, ध्रुवीय पदार्थ, ठीक है, दो टाइप के पदार्थ हैं अपने पास, अध्रुवीय और ध्रुवीय, ऐसे पदार्थ जिनमें अणुओं के धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के गुरुत्व के अंदर समान हो, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं अध्रुवीय पदार्थ, परावर्तित पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें अणुओं के धनात्मक, ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव जो आयन्स हैं उनका केंद्र और नेगेटिव का जो केंद्र है वो केंद्र कैसा हो, गुरुत्व केंद्र समान हो, गुरुत्व केंद्र समान हो, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, गुरुत्व केंद्र समान हो, ठीक है, मतलब क्या, जो यहाँ पे ग्रेविटेशन सेंटर है, ग्रेविटेशन सेंटर पॉइंट जो होता है वो इसमें क्या होता है, कैसा हो, समान हो, ठीक है, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे H2, CO2, N2O2, ये सब आ गया, ठीक है, H2 मतलब हाइड्रोजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मतलब नाइट्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गया, ये आपके अध्रुवीय पदार्थ के एग्जांपल। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन निकलना शुरू होते हैं, अध्रुवीय परावर्तित पदार्थ किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, तो उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, ठीक है, इसमें एक लाइन और है, इन पदार्थों में प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, इन पदार्थों में जो भी हमारे यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण में बताया आपको, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, समझ में आया नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, अतः संपूर्ण पदार्थ का नेट कुल द्विध्रुव आघूर्ण भी
शून्य होगा। तो जो ये मेन मेन इसकी बातें हैं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अद्विध्रुवीय पदार्थ के समझाइए, तो आपकी परिभाषा लिखते हुए ये जो दो तीन चीज़ें हैं वो कि द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ये हो गया, इसका एग्जाम्पल लिख दिया अपन ने, तब जाके इसकी परिभाषा कंप्लीट होगी। तो उसे जो मेन मेन दो तीन पॉइंट है उसको आप उतार लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलें। तो नेक्स्ट अपने पास में ध्रुवीय परावर्तित पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे अपना ये अपन ने पढ़ा अध्रुवीय पदार्थ, इसका उल्टा सिंपल सी बात है, इसका उल्टा परिभाषा कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें अणुओं के धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों के केंद्र भिन्न होते हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो आवेश हैं उनकी जो केंद्र हैं, गुरुत्व केंद्र हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन सेंटर जो है वो कैसे होते हैं, उनके कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जब भिन्न भिन्न होंगे तभी तो ध्रुव बनेंगे, उसका ध्रुव वहाँ पर, इसका ध्रुव यहाँ पर, तो दोनों क्या हो गया, ध्रुव हो गए, ध्रुव बन गए। तो ध्रुव बनेंगे तभी क्या होगा, वो ध्रुवीय पदार्थ का है। यहाँ पे क्या हो गया, समान हो गया, समान होने वजह से ध्रुव नहीं बन रहे, समान है भाई, एक ही जगह पे गुरुत्व केंद्र है। तो जब एक ही जगह पे है तो फिर वो नेगेटिव किधर है, पॉजिटिव किधर है, कोई ध्रुव बन ही नहीं रहे, तो उसको हम बोलते हैं अध्रुवीय पदार्थ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समान नहीं है, यहाँ पे भिन्न भिन्न है, पॉजिटिव का अलग ध्रुव गुरुत्व केंद्र है, नेगेटिव का अलग गुरुत्व केंद्र है। और जब ये अलग अलग होंगे उस केस में हम बोलेंगे भाई इनका अलग अलग केंद्र बिंदु है, इसलिए हम बोलेंगे ये कैसे हैं, ये हमारे कह सकते हैं ध्रुवीय पदार्थ। इसके एग्जाम्पल जो है वो है NH3, H2O, HCl, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, NH3 हो गया, ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है H2O हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे HCl हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इन पदार्थों में प्रत्येक अणु का स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और स्थायी पहले अपन ने क्या पढ़ा था, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, लेकिन इसका शून्य नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कैसा रहेगा, शून्य नहीं होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट शून्य नहीं होगा, क्लियर है। चलिए इन पदार्थों में हो गया, क्लियर है। चलिए ये भी हो गया, इसके डायग्राम अगर देख लें अपन, अध्रुवीय में कैसा होता है डायग्राम, ऐसा होता है, वो एक प्लस बीच में रहेगा या माइनस, यहाँ बीच साइड बनेगी, ठीक है। और ध्रुवीय में कैसा होगा, ध्रुवीय में ऐसा होगा, ये इसका डायग्राम जो है ना, ध्रुवीय में ऐसा होगा, ये अध्रुवीय का डायग्राम है ना, ये इसका डायग्राम है, अध्रुवीय का डायग्राम देखें, देखो ऐसा डायग्राम होता है अध्रुवीय का, या प्लस हो गया या माइनस हो गया। और ध्रुवीय का डायग्राम देखें अपन, तो ये ऐसा होता है, देखो इस तरह से यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएंगे सारे, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्रुवीय का डायग्राम हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं, ध्रुवण, ध्रुवण किसे कहते हैं, ध्रुवण के मैंने बोला भी था आपको आगे परिभाषा आने वाली, ये ध्रुवण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव जो डाइपोल बन रहे हैं उसको बोलते हैं ध्रुवण, ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में कब परावर्तित पदार्थ अपना प्रभाव कब दिखाएंगे, बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, क्या होता है कि उपस्थिति में परावर्तित पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्यों उत्पन्न हो गया, क्योंकि इसमें क्या होता है सारे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव आवेश इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या बोल रहा है कि बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावर्तित पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, परावर्तित पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप समझ सकते हैं। वे पदार्थ जिनमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बाहरी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, तो इसे हम रेखीय समदेशिक परावर्तित पदार्थ कैसे कहते हैं, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, मैंने ये जो नोट्स बनाए वो बुक के ही बनाए हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे हेलो, बस नमस्कार, मैं क्लास ले रहा हूँ, अब थोड़ी देर में फ़ोन करूँ, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, हाँ। तो आपको पता लग गया, नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। यहाँ पर है ना जो द्विध्रुव आघूर्ण उसको अपन पी से रूल करते हैं, लेकिन ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसको अपन किससे रूल करते हैं, पी से रूल करते हैं, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से रूल करते हैं, ठीक है, आपको पता भी होगा, मैंने बताया भी था Q into 2 है, ठीक है ना, इधर चार्ज मल्टीप्लाई विद डाइपोल लेंथ, किसी एक चार्ज और यहाँ पर हम डाइपोल लेंथ जो होती है, जो लंबाई होती है, उससे हम गुणा करते हैं, तो हमको पी का मान मिलता है, लेकिन पी बराबर ये होता है। तो ये जो होता है ना, ये समानुपाती होगा किसके, इलेक्ट्रिकल फील्ड के, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे उस परावर्तित पदार्थ पे, उस पदार्थ पे, उतना क्या होगा वहाँ पे उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होगा उसके अंदर ध्रुवण उतना ज़्यादा होगा, मतलब ये समानुपाती होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है, जितना आप शक्कर डालोगे उतना वो मीठा होगा, चाय इतनी मीठी होगी, तो चाय की मिठास किस पर डिपेंड करती है, शक्कर पर डिपेंड करती है। वैसे भी पी जो डिपेंड करता है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ही वहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो उतना उसके समानुपाती होगा, मतलब उतना डेवलप होगा, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने अभी ये इसको हटाऊँगा, तो यहाँ पर इसको जब हटाऊँगा तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं जाई
इलेक्ट्रिकल फील्ड ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना समानुपाती कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो गया समानुपाती कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक, इसको विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको अपन, जाई को बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं, क्लियर है। ठीक, यहाँ जाई समानुपाती नियतांक है, इसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ यह प्रावर्तित पदार्थ की ध्रुवता का मापक है, ये जो है ना ये क्या है, ये हम बोल सकते हैं ये प्रावर्तित पदार्थ की ध्रुवता का मात्रक है। मतलब ये बताएगा कि वो पदार्थ किस तरह से कितना उसके अंदर प्रावर्तित गुण डेवलप हो सकता है, ठीक है। यह विमान राशि है, ये बोल रहा है कि ये विमान राशि, ये जो है ना इसकी कोई विमानी होती है। ये अपन ने याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था एक चैप्टर नंबर किस में, एट्थ में अपने पढ़ा था, ठीक है, जाई के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। इसके नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आप अपने नोट्स बना के इसको पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और आपको अगर नोट्स नहीं समझना है तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, बुक में जो नोट्स हैं वो मैंने आपको जो भी नोट्स मैं भेज रहा हूँ वो बुक के बनाया हुआ, और क्वेश्चन भी अपने बुक से आता है, उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं बनता, ध्यान रखना चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, चालक धारिता। चालक धारिका देखो, कोई भी चालक होता है ना, वो अगर कितने धारण करता है, मतलब आवेशों को अपने ऊपर कितने बैठा रहता है। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, कार है तो उसमें चार बैठेंगे, बाइक है तो उसमें दो या तीन बैठेंगे, धारण करने की क्षमता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे है ना चालक धारिता मतलब क्या हो गया, कोई भी चालक है वो कितने आवेशों को अपने ऊपर धारित कर सकता है, मतलब अपने ऊपर रख सकता है, उसको बोलते हैं चालक धारिका, ठीक है। धारिता शब्द का अर्थ है धारण करने की क्षमता, धारिता का मतलब क्या हो गया, ठीक है। चालक धारिता को अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर मतलब कोई भी पदार्थ है वो अपने ऊपर कितने चार्ज होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धारिता शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है धारण करने की क्षमता से, अतः किसी चालक की विद्युत धारिता का अर्थ है उसके द्वारा विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चालक कितने आवेश अपने ऊपर धारण कर सकता है, ठीक है। यदि कि चालक की को जितना आवेश दिया जाता है ना, क्या बोल रहा है कि यदि कि चालक को अपन जितना आवेश देंगे उसका विभव उतना ही बढ़ता है ना। विभव मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 विभव के ऊपर पूरा अपन डिस्कस किया था, ठीक है। अपन है ना जैसे मान लो मेरे पास में ये चालक है, ठीक है, अपन ने प्लस दिया, जितना आप चालक आवेश ज़्यादा दोगे ना उस पर विभव उतना ही बढ़ेगा, है ना। मतलब विभव जो है वो हमारे आवेश पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। आपके घर में 12 वोल्ट की बैटरी है, कितनी वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट क्या हो गया, इसका विभव हो गया, ठीक है। सबके घरों में इन्वर्टर लगा हुआ है, आपके घर में जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये विभव 12 कितने, 12 वोल्ट है। अब क्या होगा, जैसे मान लो आपकी बैटरी फुल चार्ज है, उस केस में ये दिखाएगा आपको 12.8, 12.7, जब बैटरी फुल चार्ज है तो ये 12.8 दिखाएगा। जब बैटरी डिस्चार्ज होगी ना, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगी तो हो सकता है 0 भी हो जाए, लेकिन अपन क्या करते हैं 11.5 वोल्ट के ऊपर इसको कट आउट कर देते हैं, लेकिन क्योंकि 11.5 वोल्ट की अगर नीचे गई थी बैटरी ख़राब हो जाती है, ठीक है। क्या हो गया, वोल्टेज कम हो गया। जैसे अपन ने वापस बैटरी चार्ज की मतलब क्या हो गया, आवेश गए बैटरी में, जैसे जैसे आवेश जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब अपन जितना इसके अंदर ज़्यादा आवेश स्टोर करेंगे उतना वोल्टेज या विभव का मान ज़्यादा होगा। विभव मतलब वोल्टेज मतलब विभव, एक ही बात है ना हिंदी में, इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना अपन आवेश ज़्यादा देंगे तो यहाँ पर क्या बोलता है कि किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं उसका विभव बढ़ता है, मतलब V का मान बढ़ता है। क्या बढ़ता है, यहाँ पे V का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। अर्थात कि चालक पर उपस्थित आवेश उसके विभव के समानुपाती होते हैं, मतलब यहाँ पे जो चालक होंगे वो विभव के समानुपाती होंगे, ठीक है। मतलब क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी हो गया, तो क्यू ये इस प्रोपोर्शनल को बढ़ाते क्या था, सी आ गया, तो क्यू सी वी यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आ रहा है। यहाँ पे सी क्या हो गया, सी यहाँ पर एक धारिता आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे धारिता हो गया, ठीक है। मतलब सी को हम बोल सकते हैं क्यू अपॉन वी, ध्यान रखना है चीज़ को। सी मतलब क्या है, यहाँ पे सी यहाँ पर हमारा धारिता है, सी मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है। सी यहाँ पर एक नियतांक है जिसे हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, जिसे हम चालक की कैपेसिटेंस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में चालक की विद्युत धारिता का मान, चालक की आकृति, अभी धारिता का मान जो है ना सी किस किस पर डिपेंड करता है, उसका आकार कैसा है,
ठीक है ना, उसका आकार कैसा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास में समझ में आ गया आपको टॉपिक धारिता में, यहाँ पे सी का मतलब क्या हो गया इस तरह से, ठीक है। चलिए अब अपन थोड़ा सा इसका यूनिट के बारे में पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। यूनिट क्या होती है, यूनिट के बारे में अपन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न यूनिट के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब अपना मेन चैप्टर जो शुरू हो चुका है, अब जो टॉपिक स्टार्ट आने वाले, एक एक टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। यूनिक अपन इसको लापरवाही ले लो, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपकी यूनिट क्या होगा, ये क्या होगा, ये सदिश राशि अदिश राशि, इस तरह से क्वेश्चन इस पर पूछते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन आते हैं धारिता का मात्रक क्या है। तो धारिता का मात्रक जो है उसको मात्रक को बोलते हैं फेराड, क्या बोलते हैं इसको फेराड, इसका मात्रक क्या है, फेराड इसका मात्रक है, ठीक है। क्या है इसका फेराड, मतलब इसको अपन एफ से नोट करते हैं, ठीक है, फेराड। या फिर दूसरा बोल सकते हैं सी इज इक्वल कितना होगा क्यू अपॉन वी, तो क्यू अपन जानते हैं कितना होगा कूलम, क्या होता है ये कूलम इसका मात्रक होता है, और वी कितना हो गया वोल्ट हो गया, या तो कूलम अपॉन वोल्ट यहाँ पर सी का मात्रक हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, कूलम अपॉन सी अपॉन वी हो गया, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे हो गया, नेक्स्ट अपन बात करते हैं विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र जो एग्जाम में पूछ सकता है आपको, इसका मतलब कितना होगा, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है एम पर एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर फोर और ए स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास में ये देखो एक दो तीन चार टाइम चार है, तो इसका विमीय सूत्र जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर फोर, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। ये बेसिकली किस तरीके लाएँ, कूलम का फॉर्मूला लिखा, फिर वोल्टेज का फॉर्मूला लिखा और फिर इसके हिसाब से कैलकुलेट किया, ठीक है ना। इसको अपन कैलकुलेट में बहुत लंबा टाइम जाएगा इसमें, ठीक है। और बाकी करना भी हो तो अपन देख सकते हैं, देखो कैसे आया, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कैसे आया, ये वाला विमीय सूत्र कैसे निकल के आया अभी देख लेते हैं अपनी, एक पाँच मिनट भी लगेंगे, दो मिनट का काम है, ठीक है। चलिए देखो सी पर कितना हो गया, तो अपन जानते हैं क्यू अपन वी हो गया, ठीक है। फिर आपको जो पता है क्यू विभव का जो मान होता है, अपन पढ़ चुके हैं विभव कितना होता है, विभव होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये किसी एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया क्या है, ठीक है। हम विभव की परिभाषा देते थे, याद है आपको, मैं वापस समझा रहा हूँ। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, किसी एकांक आवेश को, किसी दंड परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लिया लाने में जो किया गया कार्य है, ये हो गया। तो वी की जगह पर किसका डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो गया क्यू स्क्वायर हो गया, नीचे कितना हो गया डब्ल्यू आ गया। अब क्यू स्क्वायर, तो क्यू का जब फार्मूला होता है क्यू इक्वल कितना होता है, ये आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, चैप्टर नंबर पाँच में पढ़ा है अपने, धारा होती है वो क्यू अपॉन टी होती है, तो क्यू अपॉन कितना हो गया आई इंटू टी हो गया, तो आई इंटू टी हो गया, इसका क्या कर दिया अपने, इसका कर दिया। और डब्ल्यू कार्य कितना होता है, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, बल इंटू विस्थापन, ये हो गया। ये लो अब अपन इसका सूत्र लिख देते हैं भाई, वो आई को क्या हो गया एम्पियर में स्क्वायर हो गया, टी का क्या होता है टी का स्क्वायर हो गया, फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स जो होता है बल, बल के लिए अपन सूत्र क्या लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लो किलोग्राम लिख दिया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या लिख दिया अपन, ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि किलोग्राम के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो इसको अपन देख लेते किलोग्राम ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे किलोग्राम, किलोग्राम एम की पावर माइनस वन, क्योंकि नीचे ऊपर कितना गया माइनस वन, फिर अपन क्या होता है एम एल टी और ए। अब एल की बात करते हैं, एल में क्या होगा वो मीटर, मीटर कितना होगा स्क्वायर होगा, ये नीचे ही ऊपर है कितना होगा माइनस का टू हो गया, ये लो ये एस स्क्वायर हो टी, टी का है, टी का स्क्वायर है, ये ऊपर गया तो कितना होगा टी की पावर फोर हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया हो गया। अब देख लो आप, आपके पास में आ गया कि नहीं आ गया, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर फोर, ए स्क्वायर हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हो, अगर भूल जाओ एग्जाम में तो आप इसको निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो एक दो बार कर लो तो आपको याद हो जाएगा, कोई तो हार्ड एंड फास्ट नहीं, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया आपको, तो आज के लिए आपके ये काफ़ी है, हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है उसमें इसके आगे जो चीज़ें हैं वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी है इतना, तो अभी मैं इसको इस पार्ट्स को कंप्रेस करके फिर आपके यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो आपको देख पाओगे, ठीक है। यही प्रोसेस रहेगी, लाइव क्लासेस करना संभव नहीं है, तो मैं जैसे भी जब भी वीडियो बना के उसको अपलोड कर दूँगा आप उसको देख लिया करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाय बाय।